हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपका कोड 509 का जो आंसर की है, सेट ए है, उसका है। और इसमें बिल्कुल 100% श्योर आंसर दिए गए हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। और ये स्टेट जो है बिहार का है, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि फिर बाद में आपके कमेंट्स आते हैं कि ये तो मेरा भी सेट ए है लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो मेरे नहीं है। तो देखिए, बिहार में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन सेट हैं वो अवेलेबल, अलग अलग अवेलेबल करवाए गए हैं। तो ये बिहार से सेट ए का है, आप देख लीजिए। और कल मैं बहुत बिजी थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी आपसे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपके आंसर की सेट ए जो बिहार से लिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि सार्वजनिक रूप से किसको इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, टियोडिडिस को या फिर हेनरी जेंसन को, घोष को या हेरोडोटस को। तो देखिए, जो इतिहास के पिता जनक हैं तो हेरोडोटस को जाना जाता है। जो हेरोडोटस हैं वो इतिहास के जनक कहलाए जाते हैं। ये आंसर जिन्होंने लगाया है बिल्कुल राइट है। और ये आपका सेट ए है। ठीक है, ये भी बता दूँ कि सेट ए का ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मुद्दा नहीं है। ओके, इसमें वैश्विक मुद्दा कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें परमाणु ऊर्जा का खतरा, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन और आतंकवाद, कौन सा वैश्विक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे वैश्विक मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। तो देखिए, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो भूस्खलन यानी सी होगा। क्योंकि देखिए, वैश्विक मुद्दा नहीं है, वैश्विक मुद्दा कौन कौन है, तो परमाणु ऊर्जा का खतरा भी वैश्विक मुद्दा है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप वगैरह आता है, ज्वालामुखी आता है, ये भी एक वैश्विक मुद्दा है। और आतंकवाद तो सबसे पहले वैश्विक मुद्दा में आता है आपका, कि आतंकवाद को रोका जाए। अब वैश्विक मुद्दा नहीं है तो भूस्खलन जो है वैश्विक मुद्दा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक विषय के रूप में भूगोल अध्ययन करता है, एक विषय के रूप में भूगोल किसका अध्ययन करता है। उत्पादन और उपभोग का, स्थानिक विशेषताओं का, समुदाय का या दार्शनिक परंपराओं का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, स्थानिक विशेषताएं होगा। क्योंकि देखिए, भूगोल में स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और स्थानिक विशेषताओं के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन और समुदाय, ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा, स्थानिक विशेषताएँ होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अधिगम में शिक्षकों को विषय के किस पक्ष में विद्यार्थियों के सुधार पर अधिक ध्यान देना होता है। सामाजिक विज्ञान के अधिगम में, यानी सामाजिक विज्ञान यदि आप पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षकों को विषय के किस पक्ष में विद्यार्थियों के सुधार पर अधिक ध्यान देना होता है। विषय के किस पक्ष में विद्यार्थियों के सुधार पर, अवधारणा पर, रुचि पर, लेखन कौशल पर या समझ पर। तो देखिए, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अधिगम में शिक्षकों को विषय के किस पक्ष में विद्यार्थियों को सुधार पर अधिक ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है डी होगा, समझ होगा, क्योंकि बच्चों की समझ पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक व्यक्ति समाज को उसके अंगों के सापेक्ष कार्यों के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि। इसके लिए कौन सा उपागम उपयोगी होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति समाज को उसके अंगों के सापेक्ष कार्यों के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो जैसे अर्थव्यवस्था हो गई और राजनीति हो गई, तो इसके लिए कौन सा उपागम उपयोगी होगा। यहाँ पे ऐतिहासिक तो मैं नहीं मानती, कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुलनात्मक अध्ययन जो होता है बेहद उपयोगी उपागम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डैश का सिद्धांत अनुकूलन अधिगम वातावरण का समर्थन करता है, सार्थक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता, सूचना का भेदन, निरंतर पठन, अतीत से अलगा और नया अधिगम। डैश का सिद्धांत अनुकूलन अधिगम वातावरण का समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी सूचना का जो भेदन होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राजनीतिक दलों की वृद्धि के अध्ययन में लोकप्रिय नहीं है। ऐसा कौन सा उपागम है जो राजनीतिक दलों की वृद्धि के अध्ययन में लोकप्रिय नहीं है, यानी तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सिया, सक्षेत्री, कौन सा उपागम राजनीतिक दलों की वृद्धि के अध्ययन में लोकप्रिय नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मार्क्सियन, क्योंकि यहाँ पे और जो उपागम दिए हुए हैं ये आपके बहुत फेमस उपागम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
बच्चों को पर्यावरण चिंताओं के साथ परिचित कराने के लिए उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थियों को जो पढ़ रहे छात्रों को पर्यावरण की जो चिंताएं होती हैं उनसे परिचित कराने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी शिक्षित करने के लिए, विश्व भूगोल में, विश्व एंथ्रोपोलॉजी में, विश्व इतिहास में, विश्व राजनीति में। सीधी सी बात है, भूगोल में ही हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो जो आपका विश्व भूगोल है उसमें पर्यावरण चिंताओं के साथ परिचित कराने के लिए उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मानव विकास सरकार के सॉरी सामाजिक विकास सरकार के रूपों से संबंध रखता है, विषय वस्तु ली गई है। सामाजिक विज्ञान जो है सरकार के रूपों से संबंध रखता है, यह विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? भूगोल से, राजनीति विज्ञान से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से? तो राइट है, ये आपका राजनीति विज्ञान से लिया गया है। पहले राजनीति विज्ञान था, उससे निकल के सामाजिक विज्ञान आया, फिर सामाजिक विज्ञान से निकाल के निकल के सामाजिक अध्ययन आया। तो ये जो बी है राइट आंसर है। अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। यदि आप सन 1914 में हड़प्पा की सर्वेक्षण टीम में होते तो आपने किसके निर्देशन में कार्य किया होता? ठीक है ना, आपने किसके निर्देशन में कार्य किया होता? सर जॉन मार्शल के, आरडी बनर्जी के, चार्ल्स में, एचजी वेल्स में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। सर जो जॉन मार्शल हैं उनके उसमें सर्वेक्षण टीम में 1914 में सर्वेक्षण किया गया था, यानी 1914 में सर मार्शल ने जो सर्वेक्षण किया था तो आप उसके अंतर्गत जो है सर्वेक्षण टीम में हिस्सा लेंगे। तो राइट आंसर जो 10 का है वो ए हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अब 10 अप्रैल के बाद जो है हम आपकी टेट की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल से और हमसे आप जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।